हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे सूरत स्प्लिट या सूरत में पढ़ने वाली फूट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस थी दो ग्रुपों में तो पहले ही थी, और दोनों पहले आइडियोलॉजी के पर्पज़ से अलग अलग थे, मतलब सिर्फ विचारधारा अलग थी लेकिन काम एक साथ करते थे। लेकिन इस स्प्लिट के बाद जो दो ग्रुप थे कांग्रेस के, अग्रेसिव और मॉडरेट्स के, वो पूरी तरह से अलग हो गए थे, एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। तो आइए समझते हैं किस तरह से वो फूट हुई, किस तरह से ये कन्वेंशन हुआ। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल का इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी योगदान है और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे मॉडरेट्स और एग्रेसिव लीडर्स के ऊपर पड़ा था, और उसके बाद वो वहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। दोनों ही ग्रुप्स अपने अपने लेवल पर बड़े आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन अंतर इतना था कि जो मॉडरेट्स लीडर थे वो अपना मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही लिमिटेड रखना चाहते थे, जबकि जो एग्रेसिव लीडर्स थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो विरोध है वो पूरे देश में हो, मतलब कि पूरे देश के लोग एक आवाज़ में अंग्रेज़ों का विरोध करें, उनके अगेंस्ट मूवमेंट करें। कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि हम बंगाल तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि अगर हमने अपने मूवमेंट को बढ़ाया और अगर ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे चिढ़ गई या हमसे नाराज़ हो गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस के जो कन्वेंशन थे, जो सम्मेलन थे, वो पूरे देश में अलग अलग शहरों में हर साल होते थे। जैसे कि बनारस में हुआ था 1905 में, तो वहीं 1906 का जो कन्वेंशन था वो कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अभी तक इन दोनों जो कन्वेंशंस थे या इनके पहले जितने भी कन्वेंशंस थे उसमें मॉडरेट्स और एग्रेसिव साथ आ रहे थे, हालांकि उनकी विचारधारा अलग अलग थी लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसीजन एक साथ लेते थे। कांग्रेस के मॉडरेट्स और एग्रेसिव दोनों ही ग्रुप एक साथ कन्वेंशंस तो करते थे लेकिन विचारधारा अलग थी, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के डिसीजन से ये सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी कन्वेंशन साथ हो रहे थे। और इसी के अनुसार दो तरह की विचारधाराओं के होते हुए भी जो अगला कन्वेंशन था वो 1907 में नागपुर में होना था, किंतु बाद में उसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। देखिए, सूरत में जो कन्वेंशन हो रहा था उसमें जितने भी हमारे अग्रेसिव्स थे वो चाहते थे कि इस कन्वेंशन के लीडर लाला लाजपत राय बने, मतलब कि इस कन्वेंशन के जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो लाला लाजपत राय को बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर जितने भी हमारे मॉडरेट्स थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को इस कन्वेंशन का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा, बल्कि जो उनके लीडर रास बिहारी बोस थे उनको इस कन्वेंशन का प्रेसिडेंट चुना जाए। और अग्रेसिव के ना चाहते हुए भी रास बिहारी बोस को इस कन्वेंशन का प्रेसिडेंट चुना गया। यहाँ पर जो हमारे एग्रेसिव थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, और विरोध के कारण जो कन्वेंशन का पहला दिन था उस दिन की सभा स्थगित रही। दूसरे दिन जब कन्वेंशन स्टार्ट हुआ तो बाल गंगाधर तिलक ने सभी के सामने ये बात रखी, यदि इस कन्वेंशन के मेन एजेंडे में बायकॉट, सेल्फ रूल, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन को रखा गया तो प्रेसिडेंट कोई भी बने, एग्रेसिव इसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मॉडरेट्स बाल गंगाधर तिलक जी के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते, और नतीजा ये निकलता है कि वो जो कन्वेंशन था वो बगैर किसी नतीजे के समाप्त हो गया, अशांति फैल गई और जो विवाद था दोनों ही ग्रुप में अब वो और बढ़ गया। और इतना ही नहीं, जो हमारे मॉडरेट्स थे उन्होंने अग्रेसिव लीडर्स को बाहर कर दिया, यहाँ से कांग्रेस से एकदम सारे के सारे अग्रेसिव लीडर्स को बाहर कर दिया गया था। देखिए, इस विवाद की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो हमारे अग्रेसिव लीडर्स थे, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, वो मॉडरेट्स लीडर को उनके नेशनल मूवमेंट की सबसे बड़ी बाधा मानते थे। उनका ये मानना था कि जितने भी ये मॉडरेट्स लीडर हैं ये शांति वांति चाहते हैं, इसके चक्कर में हमारे जो मूवमेंट हैं वो रुक जाते हैं और कांग्रेस को और भी ज़्यादा बल मिल जाता है, तो वो कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर जो हमारे मॉडरेट्स थे वो भी एग्रेसिव लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ये डर लगता था कि अगर एग्रेसिव लीडर्स उनके साथ रहेंगे, चाहे उपद्रव करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो ऐसा ना हो कि एग्रेसिव नेशनलिस्ट के कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कांग्रेस पार्टी को ही ख़त्म कर दे।
देखिए इंडिया में जो हो रहा था वो एक बड़े दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तरफ तो देश में एकता की बात चल रही थी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रहे थे उनमें जोड़ने की बात हो रही थी, वहीं आपस में दूसरी तरफ ये फूट पड़ रही थी। तो जो हमारे देश के बड़े लीडर्स थे, फिर चाहे वो मॉडरेट्स हों या फिर हमारे अग्रेसिव नेशनलिस्ट हों, उन्होंने सोचा और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जो विवाद चल रहा था उसे करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन दोनों ही पार्टी या दोनों ही ग्रुप्स के कुछ नेताओं के कारण, कुछ लीडर्स के कारण जो कांग्रेस के दो ग्रुप्स थे वो एक नहीं हो पाए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि सूरत में ये स्प्लिट हुई। और 1907 के कांग्रेस के सूरत में होने वाले कन्वेंशन में जो कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ था, इसी को सूरत स्प्लिट के नाम से जाना गया। देखिए इंडिया में कांग्रेस का जो डिवाइडेशन हुआ उससे हमारे नेशनल मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री हुई, क्योंकि यही तो वो चाहते थे कि जो यूनिटी बढ़ रही है, जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट देश भर में जगह जगह मूवमेंट्स हो रहे थे, फिर चाहे वो मॉडरेट्स करें या फिर अग्रेसिव करें, लेकिन थे तो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिली कि भाई चलो अब कांग्रेस में फूट पड़ गई, अब ये लोग थोड़े स्लो हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब यहां से जो हमारे मूवमेंट्स थे वो नए सिरे से स्टार्ट हुए। इंडियन हिस्ट्री में सूरत स्प्लिट के बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए, इन मूवमेंट्स में भारत के हर कैटेगरी का आदमी शामिल हुआ, फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो, बड़ा आदमी हो, मध्यम वर्गीय हो या फिर कॉमन मैन, सभी लोगों ने बराबर से सपोर्ट किया। और आगे जाके हम देखते हैं कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही समझते हैं, अगली वीडियो जो हम समझेंगे वो होगी 9.3 यानी कि गांधीयन एरा। यहां से इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और इसे हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो आपके मोबाइल में लगातार आती रहें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।